Good morning, students. अभी we are going to do processes of recombinant DNA technology. अभी देखो आपने समझ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. जो भी कोई एंजाइम या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने एंजाइम या मॉलिक्यूल्स लिए और उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमने यूज़ किया, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वो है. इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली आपने ये समझा है कि एक कोई भी जीन जो डिज़ायर्ड जीन है, जिस जो यूज़फुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको जीन को आइसोलेट करना, फिर उसको किसी होस्ट में डाल देना. और होस्ट में डालने के बाद भी ये ध्यान रखना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि वो जो है वहाँ पर उस होस्ट के अंदर मेंटेन किया जा सके और वो उसकी प्रोजनी में चला जाए, ताकि आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी उसका यूज़ वैसे ही होता रहे. तो ये सारा करने के लिए हमने कहा कि कुछ टूल्स होते हैं. तो टूल्स के अंदर तो एक पहले डिज़ायर्ड जीन हो गया, उसको लेना है. फिर एक वेक्टर होता है जिसके अंदर हम उस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ हम उसकी क्लोनिंग करते हैं, एंड देन फाइनली वी इंट्रोड्यूस दैट इनटू अ होस्ट. तो होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना, ये सब इसके टूल्स के अंदर आ गए. अब फाइनली वी विल मूव ऑन टू कि ये जो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो इनको हमने किस तरह से ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस करना है, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिकॉम्बिनेशन, तो वो उसके बारे में अब हम बात करेंगे. तो उसमें देखो सबसे पहले यही होता है कि हमने जेनेटिक मटेरियल जो जीएनए है उसको आइसोलेट किया है, कट कर देना डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, उसको एम्पलीफाई कर लेना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, फिर इसको जो है रिकम्बाइन करना अलॉन्ग विद द वेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इट इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, फाइनली ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. एंड देन जब एक जीन पर बन भी जाता है तो ये देखना कि उसको किस तरह से वो प्योरीफाई होकर ही फाइनली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आए. तो दैट कम्स अंडर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो वी विल डू दिस वन बाय वन. तो अब आपको पता है कि किसी भी डीएनए को कट करने के लिए जब हम उसको कट करते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और ताकि उसको प्योर फॉर्म में लिया जा सके और उसमें से जो बाकी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डीएनए सेल का पार्ट है, उसमें बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है. पर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीएनए को सबसे पहले जो सेल है उसका, उसको ब्रेक करना पड़ता है. अब अगर मान लीजिए बैक्टीरिया में से हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, तो हमने क्या करना है, उसको लाइसोजाइम से ट्रीट करना है ताकि वो बैक्टीरियल वॉल टूटे. अगर हमें फंगल सेल में से चाहिए, तो आपको पता है कि फंगल वॉल का जो कंपोनेंट है फंगाई का, सेल वॉल का, दैट इज़ चिटिन या काइटिन आप उसको कहते हो, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ चिटिनेज. सिमिलरली प्लांट सेल से अगर आपने कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज. अब ये जो सेल एक्सट्रैक्ट आ गया, इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है ताकि इसमें से बाकी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे, बाकी न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी होंगे, तो उन सबको भी हमें रिमूव करना है. हमें तो सिर्फ प्योर फॉर्म में डीएनए चाहिए. और तो हम क्या करेंगे, जो ये डीएनए होता है, आपको पता है कि ये बेसिकली प्रोटीन्स के साथ इन्वॉल्व होता है और उसको हम हिस्टोन कहते हैं. तो इसमें आपने आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट कर देना है, उससे वो रिमूव हो जाएगा. जो प्रोटीन्स हैं उनको आप प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करोगे तो वो रिमूव हो जाएंगे. और इसी तरह आप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से डीएनए को प्योरीफाई कर लेते हो, उसको अलग से प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हो बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल. तो जब ये होता है, चिल्ड इथेनॉल से जब डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट होता है, तो वो फाइन थ्रेड्स के रूप में दिखता है. तो आप ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल वे से आप उसको स्पिनिच से, या आप उसको इवन ग्रीन विद दूसरे कोरिएंडर है, या आप इसको इवन बनाना से, कुछ फ्रूट से, जैसे हम स्ट्रॉबेरी फ्रूट से, इनसे बड़े सक्सेसफुली हम लैब के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से ये आपको फिर नज़र आता है आफ्टर यू ऐड. आप एंजाइम डालना पड़ता है उसमें, प्रिपेयर एंजाइम होता है दैट इज़ अवेलेबल इन द पाइनएप्पल जूस और पपाया जूस, तो उसको ट्रीट करते हैं. फिर चिल्ड इथेनॉल के अंदर ये इस तरह से अलग से इसकी लेयर आ जाएगी. देन व्हाट वी डू, जब एक बार डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो उनको साइज के अकॉर्डिंग हम रिमूव करते हैं बाय ऑन द एगरोस जेल. एक इसमें एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसमें करंट पास करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को डालकर. जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो इस जेल के ऊपर मूव करते हैं और अल्टीमेटली उनको एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर लिया जाता है. और फिर जब यूवी रेडिएशन देते हैं, तो इस तरह से दे आर विजिबल.
और उनको फिर वो उसमें से कट आउट करके एक रोज जेल में से जब बाहर निकाला जाता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूशन। तो आप देखो जो बड़े साइज के हैं डीएनए वो वेल्व के पास रहते हैं। यहाँ वेल्व के अंदर जब आपने देखा कि वेल्व के अंदर इनको डाला गया, उसके बाद यहाँ से इनका मूवमेंट होता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो ये मूवमेंट में जो बड़े साइज के डीएनए थे तो पीछे रह जाते हैं, छोटे साइज के आगे मूव ऑन कर जाते हैं। दीज आर परफॉर्म बाई इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, जिसकी हम बात कर चुके हैं, और एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी हम बात कर सकें, क्योंकि जो डीएनए था हमारा वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल था, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज जो एनोड है उसके ऊपर मूव करता है। और सेम प्रोसेस फिर हम वेक्टर डीएनए के साथ भी करते हैं, उसको भी हम कट करते हैं ताकि उसके साथ हम इसको लाइगेट कर सकें। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको सोर्स ऑफ डीएनए से लेकर उसको वेक्टर के साथ मिक्स करके और वहाँ पे लाइगेज एंजाइम डाला जाता है। आपको पता है जो लाइगेज एंजाइम है वो जोड़ने का काम करता है, तो वो वेक्टर डीएनए को और जो ये डीएनए जो इंटरेस्ट जीन है उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उन दोनों को लाइगेट कर देता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो हैं डीएनए की तैयार होती हैं इन विट्रो। बार बार हम बात करते हैं विट्रो मतलब कि लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। तो हमने दो सेट्स ऑफ प्राइमर्स लिए हैं, प्राइमर क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। इनको ऐड करना पड़ता है, इन प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। और फिर एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए को फिर फाइनली उसको इलेमिनेट करता है उसकी चेन को, तो वो वहाँ पर ऐड करते हैं। इवन न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हैं बीच में ही। तो जो सारा विट्रो कंडीशन है या लेबोरेटरी कंडीशन है इसके अंदर प्राइमर्स ऐड किए जाएंगे, इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया जाएगा एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोटाइड्स विल बी प्रेजेंट देयर। तो जो एंजाइम है ये डीएनए पॉलीमरेज ये प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देता है यूजिंग दोज न्यूक्लियोटाइड्स। और फिर यूज़ किसे कर रहा है, जो जीनोमिक डीएनए था जो हमारे पास पहले इनिशियली जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको एज टेम्पलेट्स यूज करता है। वो दोनों डीनेचर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनके सामने प्राइमर ऐड हो जाता है और फिर उनकी एक्सटेंशन होती है। और अगर हम इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 टाइम रिपीट करने पे ही 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। ये देखो ये डीनेचुरेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, हीट किया तो ये एक स्टैंड इधर आ गया, दूसरा स्टैंड इधर आ गया, इनके सामने प्राइमर्स ऐड किए गए हैं, देर आर लॉट ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स और वो डीएनए पॉलीमरेज है जो टैक पॉलीमरेज जिसे हम कहते हैं थर्मस एक्वेटर से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इनकी वजह से फिर ये जो देखो छोटा सा प्राइमर हमने ऐड किया था ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, इसके आगे कितने सारे प्राइमर्स अटैच, सारे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए हैं और ये एक्सटेंशन इसको हम कह देते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है 3 स्टेप्स में आप स्टडी करते हो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, एनीलिंग में उसके आगे प्राइमर अटैच कर देते हैं, एक्सटेंशन में पॉलीमरेज चेन एंजाइम जो है और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को इधर आके अटैच कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये रेप्लिकेशन है। और अगर इसको रिपीट किया जाए तो देखो 30 साइकिल्स के अंदर 1 बिलियन कॉपीज तैयार हो जाती हैं। अब जब इतनी सारी डीएनए कॉपीज तैयार हो गई हैं तो उनको आपने देखा था कि जो रेसिपिएंट सेल्स हैं उनको कॉम्पिटेंट बनाया गया था वेरियस मेथड से, जीन गन मेथड था जिसके अंदर या हीट ट्रीटमेंट था, तो उसमें जब वो करके उनको जब माइक्रो इंजेक्शन था तो उनसे जब वो कॉम्पिटेंट बना के उसमें डीएनए वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन मेथड से डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उसके अंदर और ये कैसा डीएनए इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बेयरिंग द जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर्ड इंटू ईकोलाइज सेल्स, द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इंटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स। If we spread the transformed cells on a guard plate containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed cells will die. तो इसको जो हमने कहा था सेलेक्टेबल मार्कर की हमने बात की थी, तो ये वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। हमने एक डीएनए ऐड किया है, एक जीन ऐड किया है जो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक के लिए। तो अब क्या है, नॉर्मली जो सेल्स हैं वो उसमें डाई कर, वेन एवर एंटीबायोटिक इज गिवन दे विल इन दैट पर्टिकुलर कल्चर मीडियम दे विल डाई द होस्ट। लेकिन जैसे ही उनके अंदर हमने ये डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसके अंदर रेजिस्टेंस जीन था,
तो वो क्या हो जाते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स बन जाते हैं। और अगर अब उनको हम अगार प्लेट्स में, एम्पिसिलिन वाले अगार प्लेट्स के अंदर रखते हैं, तो ये वाले जो सेल्स हैं, इट ट्रांसफॉर्म जो सेल्स हैं, दे विल कंटिन्यू टू ग्रो, दैट मीन्स दे विल रेजिस्ट द एंटीबायोटिक। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। अब देखो, अगर कोई जो पीस ऑफ एलियन डीएनए है उसको क्लोनिंग वेक्टर में डाला और फिर वहाँ से क्या कहते हैं उसको डी प्लांट या बैक्टीरियल या एनिमल सेल के अंदर डाल देते हैं, तो ये जो एलियन डीएनए बना था ये वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कोई भी प्रोटीन इनकोडिंग जीन हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अंदर जो एलियन जीन है या डीएनए है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो गया। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ऑन स्मॉल स्केल इन द लैब। अब वहाँ पे तो ये थोड़े स्केल में बन रहे हैं, लेकिन और जो कल्चर हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम उससे डिजायर्ड प्रोटीन को और उसको प्योरीफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। लेकिन अगर हमें बहुत लार्ज स्केल पे उस पर्टिकुलर प्रोटीन की या बायोमोलिक्यूल की ज़रूरत है जो बना है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से, तो क्या करना पड़ता है, उसको कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम के अंदर डालना पड़ता है जहाँ पे यूज्ड मीडियम ड्रेन होता रहता है एक साइड से और फ्रेश मीडियम वहीं पर ऐड होता रहता है दूसरी साइड से, ताकि जो सेल्स हैं उनको फिजियोलॉजिकली एक्टिव स्टेज में या एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर मेंटेन किया जा सके। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। बायोरिएक्टर्स हम अब बात करेंगे जिसके अंदर की लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, दैट इज ऑलमोस्ट 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर। और ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, ये वेसल्स होते हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल को डाल के बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल एंजाइम्स एटसेट्रा, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। It provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimal growth conditions. क्या क्या optimal growth conditions होती हैं भाई, अगर क्योंकि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, pH, substrate, salts, vitamins और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो ये सारा कुछ this is all there in the bioreactor. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. Stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ट रहनी चाहिए। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. Bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, sampling ports, so that small volumes of culture can be withdrawn periodically, ताकि वो थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं और फिर और नया फ्रेश ऐड करते रहते हैं। तो ना जैसे कि अभी हमारा बायोरिएक्टर है, इसमें ये एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल का इनलेट है, यहाँ पे स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन का है, हमने कहा उसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर मोटर होनी चाहिए, फोम ब्रेकर होना चाहिए, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, बीच में कल्चर ब्लॉक तो है ही जिसके अंदर ये सारा काम होना है जिससे कि बायो प्रोडक्ट बनना है, और स्टेराइल लेयर का आपका आप देख सकते हो इनलेट। तो ये हमारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर था, ये हमारा है स्पार्स स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जिसके अंदर की स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्स्ड, ठीक है। तो ये देखो, इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर है, ये गैस का एंटरटेनमेंट एरिया है, दिस इज द बबल्स जो हमने कहा था कि अगर बबल्स के फॉर्म में उसको करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन सर्फेस एरिया है उनको इंक्रीज कर देती है। तो ये हमारे इन्होंने दिखाए बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब एक प्रोडक्ट तो हमारा तैयार हो गया, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज करते हुए प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी इस बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद प्रोडक्ट को बहुत सारे कुछ और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से रन करना पड़ता है ताकि ये एज अ फिनिश प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आए। प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।
प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव ताकि लंबे अरसे तक ये ठीक रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ये खराब ना हो, डीनेचुरेशन ना हो, कोई भी इस तरह का इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए एनवायरमेंट का, तो इस वजह से प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड किए जाते हैं। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन द केस ऑफ ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब हम आजकल कोविड टाइम के अंदर आपको पता है कि कितना क्लिनिकल ट्रायल जरूरी है, चाहे कोई वैक्सीन बना रहे हो, चाहे कोई दवाई बना रहे हैं। अभी देखो कब से कह रहे हैं कोविड की दवाई आ गई, लेकिन कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि सक्सेसफुल अभी तक मतलब ऐसे स्टैम्प्ड नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी ड्रग को, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपने मार्केट में उतारना है, उसको एक लार्जर सोसाइटी सेक्शन के लिए यूज करना है, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि एक दो लोगों में सक्सेसफुल हो गया तो आप कहो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यू नो देयर इज सो मच वेरिएशन इन एवरी इंडिविजुअल, तो वो लार्ज सैंपल के ऊपर ट्राई होता है तभी उस चीज को फिर मार्केट में उतारा जाता है। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो हर प्रोडक्ट के लिए जरूरी रहते हैं। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो हर चीज का टाइम सीन, हाउ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रिंसिपल्स दे कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो कैसे, क्या क्या टूल्स रहते हैं, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस कहाँ पर वो बनता है, लार्ज स्केल बनाना है तो क्या बायोरिएक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, और फिर फाइनली प्रोडक्ट को किस तरह से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के माध्यम से निकाला जाता है उसको, ताकि एक लार्जर सोसाइटी के अंदर यूज किया जा सके।